खजाने की खोज। एक बार की बात है, एक खूबसूरत गांव में दो दोस्त रहते थे, अमरजीत और विशाल। वो दोनों बचपन से ही एक साथ थे और हमेशा एक साथ खेलते थे। एक दिन खेलते हुए उन्होंने जंगल में एक गहरे गुफा के बारे में सुना। उन्हें पता चला कि उस गुफा में एक ऐसा जादुई खजाना छुपा है जो हर हफ्ते अपनी जगह बदल लेता है। फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने तय किया कि वो इस खजाने की खोज में जाएंगे। अगली सुबह अमरजीत और विशाल ने अपने रास्ते की योजना बनाई। वो लोग रास्ते में कहीं खो न जाएं, इसलिए उन्होंने एक नक्शा भी बना लिया और फिर वो तीनों दोस्त पक्का इरादा करके निकल गए खजाने की तलाश में। थोड़ी देर चलने के बाद विशाल को अचानक से बहुत तेज प्यास लग जाती है। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक छोटा सा तालाब मिलता है, लेकिन जैसे ही वो लोग पानी पीने के लिए तालाब के पास जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि पानी में सोने के छोटे छोटे कण हैं। ये देख के उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लोग खजाने के बहुत पास है और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। वो लोग तालाब से पानी पीते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। काफी देर चलने के बाद वो दोनों जंगल के बीच में एक गुफा के पास पहुंचते हैं जो कि देखने में बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत करके गुफा के अंदर जाते हैं। काफी देर तक उस गुफा में ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वो लोग थक के हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी उनमें से एक दोस्त की नजर गुफा में पड़ी एक किताब पर पड़ती है जो कि देखने में बहुत पुरानी थी। जब वो उस किताब को खोल के देखते हैं तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो किताब एक जादूगर की थी। उस किताब में लिखा था खजाना इसी गुफा के पास ही कहीं है, लेकिन उसे ऐसी जगह छुपाया हुआ है जिस जगह के बारे में तुम सबसे कम सोचोगे। इतना पढ़ने के बाद किताब गायब हो गई। अब क्या था, दोनों फिर से लग जाते हैं गुफा के अलग अलग हिस्से में खजाने को ढूंढने, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अचानक अमरजीत बोलता है, क्यों न हम गुफा के पीछे ढूंढे। उसके बाद दोनों दोस्त गुफा के पीछे पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल और काफी पेड़ पौधे थे। उनमें से एक पेड़ पे एक सोने की माला लटकी हुई थी। उस माला को देख के एक दोस्त बोला, हो ना हो खजाना इसी पेड़ के नीचे होना चाहिए। उसकी बात से बाकी दूसरा दोस्त भी सहमत था। फिर क्या था, उन्होंने आव देखा ना ताव, वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खोदने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ सोने से भरा एक संदूक है। उस संदूक को देखने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उन्हें वो खजाना मिल ही गया जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। वो दोनों खुश थे क्योंकि वे एक दूसरे के दोस्त थे और उनके बीच बनी ये दोस्ती अनमोल थी। और इसी तरह अमरजीत और विशाल ने उस खूबसूरत खजाने के साथ साथ अपने दिल की खुशी बांटी और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दृढ़ विश्वास रखें, साथ मिलकर काम करें और साहस दिखाएं, तो हम किसी भी ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों की सच्ची दोस्ती हमेशा अनमोल होती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ऐसी ही और कहानियाँ देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।